नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक टिप्स बताऊंगा आपको जो कि हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन लोग उसे करते नहीं है समय पर, और फिर जाके खर्चा भी बढ़ता है, दिक्कत भी होती है और ढेर सारे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। समय पर कोई भी काम करना चाहिए। आज मैं फाउंडेशन के बारे में इसके पहले बताया है, लेकिन इस वीडियो में फिर से बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये 3DX मशीन है, JCB इंजन वाला है, 2011 का मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा हमारा कैबिन है, ठीक है। कैबिन को सस्पेंशन, जो ऑपरेटर के लिए सस्पेंशन होता है, उसके फाउंडेशन शॉक अपचर जैसा काम करता है। अगर वो आप वक्त पे 2-3 साल में नहीं चेंज करते हो तो बाकी बाद में बहुत सारी दिक्कत पड़ती है। आप यहाँ पे देखो, पूरा फाउंडेशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक तो ऑपरेटर को तकलीफ तो होने वाली, ठीक है। एक दूसरा जो है, जब इतनी ये कंडीशन के बाद जब इंजीनियर या मैकेनिकल खोलने आएगा ना, तो ये अंदर से बोल्ट पूरा थ्रेड इसके डैमेज हो जाती है और फिर जल्दी से निकलता नहीं है। यहाँ पे गाला गिर जाता है आगे इसके बोल्ट के नीचे। ये वॉशर का सेप देखिए, एक कप की तरह हुआ है। ये 2-4 दिक्कतें बढ़ती है। जो काम इंजीनियर का, मैकेनिकल का घंटे का है, उसे फिर 4-5 घंटे लगते हैं। फिर गैस कटर लाओ, वेल्डिंग करो, बहुत सारी समस्या बढ़ती है। अभी भी इनके पास टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका शेप कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखो नीचे का वॉशर कप की तरह फूल गया है, वाटी की तरह बन गया है, ठीक है। काफ़ी देर हो चुकी है। अब जब भी इसे जो भी बंदा खोलने आएगा, ये देखो बोल्ट भी टेढ़ा हो चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए पोजीशन, और यहाँ पे देखिए ऐसा हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मतलब ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। यह आगे की भी कंडीशन है। अभी आगे इसकी वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आगे भी लगभग सेम हुआ है। तो ये कभी भी टाइम पे काम करो। और दूसरा, एक अगर आपका इस तरीके का फाउंडेशन है, ये पुराने मॉडल में आता था, इसके जगह आप नया मॉडल का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ प्रोवाइड करेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आज की छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो और एक बात बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये 26 लीटर का हाइड्रोलिक ऑयल का कैन है, 26 लीटर का है, मतलब 52 लीटर इसमें ऑयल। अभी हमने लेवल किया है, सिलकिट चेंज करने आए थे, फिर भी लेवल आई नहीं है। इसमें ऑयल नहीं दिखेगा आपको, ये थोड़ा ख़राब हुआ है, ठीक है। अगर 50 लीटर ऑयल डालने के बावजूद लेवल नहीं आती, और 20 लीटर डालना पड़ेगा उसको, लगभग 70 लीटर ऑयल इसका ख़त्म हो चुका है। ऐसी कंडीशन में अगर मशीन चलाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके हाइड्रोलिक पंप पे उसका जो है प्रेशर आएगा, उसका घिसाव बढ़ जाएगा, और हाइड्रोलिक पंप सबसे पहले आपका खाएगा। हाइड्रोलिक पंप की आज की लगभग कॉस्ट है 43,000 रुपये। तो सोचिए, ये काम आपका अगर आप टाइम पे नहीं, डालना तो पड़ेगा ही, जब मशीन का लीवर ऑपरेट नहीं होगा उस टाइम पे तो आप डालने ही वाले हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई बचाएगा नहीं। लेकिन यही काम अगर आप वक्त पे करते हैं तो आपके 40-50 हज़ार रुपये बच सकते हैं। अगर आपको पंप फेल हो गया, पंप डालना है तो 43,000 उसके, फिर ऑयल डालना पड़ेगा, स्टेनर बदलना पड़ेगा, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। बस इसी तरह की टिप्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।